पहली गेंद आक्रामक स्ट्रोक, गेंद जाती हुई डीप मिडविकेट के क्षेत्र में, चार रन, क्या बात है। एकत्र बनवा लागल ना ते अलग रमाकांत, क्या बात है, इन्हें प्यार से मामा कहा जाता है। क्या स्ट्रोक लगाया है, चार रन, व्हाट अ स्ट्रोक। आई लाइक दिस स्ट्रोक, पहली गेंद पर अपने इरादे जाहिर किए। एक स्टॉप, सागर फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल गेंद सुरक्षित कीपर के दास्तानों में, गेंद टॉट के रूप दर मुंबई। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार सागर अपने बॉलिंग मार्क पर, रमाकांत सामना करने के लिए तैयार। इस बार ये गेंद नजदीकी मामला हो सकता है और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ रमाकांत की इनिंग की समाप्ति। एक चौका लगाने के बाद अपना विकेट गवा कर रमाकांत पवेलियन की राह लौटते हुए अपने आप से नाखुश नाराज, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी दो गेंदों में, लेकिन गेंद समझ नहीं आई और अंतिम में अपना विकेट इन्होंने गवाया। अच्छी कोशिश की थी, लेकिन अच्छा एक स्टार्ट देने की उनकी मुहिम कोशिश जारी थी। सागर अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, इस वक्त नए बल्लेबाज आए हैं नितिन, जिन्हें प्यार से खून कहा जाता है। इस वक्त खून का कर्ज लौटाना होगा क्योंकि उन्होंने अंतिम और आखिरी ओवर में खर्च किए थे 16 रन, वो 16 रन रिकवर करने होंगे जब जाकर इस मैच में पकड़ बना सकते हैं। इस बीच सागर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बैकवर्ड शॉट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, कोई गलती नहीं, कोई चूक नहीं, विकेट का बदलाव होता हुआ, एक और झटका बैटिंग यूनिटी को लगता हुआ। बिल्कुल रमाकांत के जाने के बाद यहां पर नितिन भी पवेलियन की राह लौटते हुए, मोनिश ने बहुत ही बढ़िया कैच लपका और यहां पर नितिन की इनिंग की समाप्ति। नितिन की जगह अब लेने जा रहे हैं नए बैट्समैन रोशन। विंडोज फोन रोशन आता है का न्यू बैट्समैन रोशन। सागर ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है, चार रन खाने के बाद तीन गेंदों में दो विकेट, अपने नाम किया दो गेंदे अभी भी शेष। चलिए समय के मामले में सहयोग करना, टाइम क्यों है, मैचेस काफी ज्यादा है, तो प्लीज सपोर्ट करें। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद शरीर से जा टकराई, निकले जोन की तरफ, लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और एक रन जरूर मिलता हुआ जीत के लिए 30। टारगेट 34 रनों का टारगेट का पीछा करना है। एक गेंद सागर की अभी भी आना शेष पावर प्ले की। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार राहुल। इस बीच ये गेंद, इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, ओवर की समाप्ति, 12 गेंदे शेष है और जीत के लिए
इस वक्त जरूरत है सिर्फ और सिर्फ ओनली 39 रनों की, 29। यस सर, हम चेक कर रहे थे आप लोग मैच में है या नहीं। चलिए टाइम के मामले में सहयोग करना है, दो मैचेस और बाकी हैं, प्लीज फटाफट सहयोग करना है, मैच को कंटिन्यू करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सूरज, सूरज की पहली गेंद, एक रन जरूर मिलेगा। रोशन ने एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है, स्कोर 6 रनों पर दर्शाता हुआ। जीत के लिए 28 रनों की और जरूरत इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। गेंदें बची हैं लगभग 11, सामना करने के लिए तैयार होते हुए भाईदास। भाईदास की अगर बात करें तो एक गेंद खेल चुके हैं, दो गेंदे खेल चुके हैं, इस बार मिस टाइमिंग, तो गेंद हवा में और ये भाईदास की भी इनिंग की समाप्ति। तीन गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाए भाईदास और अपना विकेट जाया कर पवेलियन की राह लौटते हुए। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 6 रनों पर। जीत के लिए काफी बड़ा लक्ष्य अभी भी बाकी है, जीत हासिल करनी है, 28 रन और बनाने होंगे, गेंदें बची हैं 10, 10 गेंदों में 28 रन की जरूरत। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, फ्रंट फुट पर आकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी किसे कहा जाता है ये सागर ने प्रूफ किया गेंद डॉट के रूप में। सूरज ने बहुत ही बेहतरीन लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी की, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद को कर दिया, बल्लेबाज बीट होते हुए गेंद डॉट के रूप में। स्कोर थमा हुआ, रुका हुआ 6 रन। इस बार बैट का मोटा किनारा लेकर गेंद कीपर के दास्तानों में, विकेट का पतंग होता हुआ, एक और झटका लगता हुआ बैटिंग इन टीम के लिए। सागर ने बहुत ही बढ़िया कीपिंग के माध्यम से कैच लपका है। अब रोशन की जगह नए बल्लेबाज विकेटों के बीच में जाते हुए करण, करण को इस वक्त देना होगा करंट बल्ले गेंदबाजों को, नहीं तो फिर काफी देर हो जाएगी, क्योंकि जीत के लिए काफी बड़ा लक्ष्य अभी भी बाकी है। गेंदें बची हैं लगभग 8 और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत, मुश्किल पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इस वक्त परफॉर्मेंस करते हैं, इस वक्त बड़े हिट लगाते हैं तो जीत की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार सूरज, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, ब्रॉफल में डाली गई गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक को, एक रन 6 का अशुभ आंकड़ा नांगती हुई फांगती हुई जा पहुंची है ये टीम 7 रनों पर। स्कोर 7 रनों पर दर्शाता हुआ, अब सिचुएशन देखिए, 7 गेंदे 27 रन, 7 गेंदों में 27 रन बनाने जरूरी इस मैच को जीत में तब्दील करना है। तो इस बीच ये गेंद, इस बार ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, अतिरिक्त रनों में एक रन जरूर शुमार होगा, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। 7 गेंदे 26 रन, मैच को जीत में तब्दील करने के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार ये गेंद टॉट के रूप में रही, ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, 6 गेंदे जीत के लिए 27 रनों की जरूरत, 26 रनों की जरूरत। फील्डिंग यूनिट टीम चलिए फास्ट फास्ट प्लीज थोड़ा सहयोग करना फटाफट प्लीज, टाइम वेस्ट ना करें, और भी मैचेस हैं, आज एक टीम किसी भी हाल में फाइनल में निकालनी है, तो आप लोगों का सहयोग जरूरी प्लीज। फिर बिल्कुल समय को देखकर ओवर भी कम किए जा सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखें, कंपलसरी आज एक टीम निकालनी है, ये चीज आप ध्यान में रखें।
6 गेंदे 26 रन। हेलो अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात ही गेंद टॉट के रूप में। 7 बॉल 7 टॉट पहला मैडन ओवर करने वाला गेंदबाज जय। बाहर निगुन खेला था प्रतियोगिता में, उस गेंदबाज के हाथ में गेंद सौंपी गई, इसी बीच ये गेंद एक और गेंद टॉप के रूप में। अब 4 गेंदे 26 रन। 169 त्याला पण बॅट्समन आहे सर भेटेल तो हलचा त्याला सर दिला बोला जाए। शेडोबा स्पोर्ट्स आपने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, अपने सभी खिलाड़ियों को ग्राउंड की तरफ ले आए प्लीज। ये क्लीन बॉल, नो बॉल नो डॉट, क्या बात है। तो मैच में जय की अगर बात करें तो 9 गेंदे डॉट की है, 9 गेंदे दो मैच में, पहली ओवर की थी तो मैडम की, उसके बाद 3 गेंदे लगातार डॉट करने वाला ये गेंदबाज, ये आहिस्ते आहिस्ते रिकॉर्ड बनाने की कगार पर नजर आता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक लेकिन नो मैन्स लैंड पे गेंद गिरती हुई और खराब फील्डिंग। चलिए मैच में इस वक्त औपचारिकता ही बाकी रह गई है और अब जाकर इस टीम के हुए पूरे 10 रन। 2 गेंदे अभी भी शेष हैं, जय की 10 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है, 2 रन माफ कीजिएगा 2 रन खर्च किए हैं और एक और गेंद वाइट के रूप में परिवर्तित होती हुई, एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो 1 एक्स्ट्रा, 2 गेंदे बाकी हैं मैच की समाप्ति के लिए, जीत के लिए रनों की जरूरत है, वो है लगभग 23 रन, 23 रन 2 गेंदे बाकी हैं। गेंद डॉट के रूप में रही और इस डॉट के साथ साथ मैच का रिजल्ट आहिस्ते आहिस्ते फेर बदल करता हुआ जा पहुंचा है, दोनों टकते तो पूरी तरीके से गेंदबाजी की टीम के पक्ष में। बाहर कर ला कॉल कर देला और ये सतिया स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो पर्दे के पास बैठे हैं, सतिया स्पोर्ट्स